अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो इस वाले वीडियो सीरीज में मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है आई विल टेक इट अप टू द जो आपकी जो नीट लेवल है, एक तो हम उस हिसाब से ये पढ़ लेंगे और इसमें क्लास इलेवंथ का जो सिलेबस है वो ऑटोमेटिकली आपका जो कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो पहली बात याद रख लेना कि जो ये नीट का एग्जाम है आपका, जो आपके गेट का सॉरी जो आपके जो ये नीट का एग्जाम है, इसमें आपको पूछे जाएंगे इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में 45% ऑफ द वेटेज जो आपको बायोलॉजी पेपर की है वो पूछी जाएगी ह्यूमन फिजियोलॉजी ही में से। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें आपको 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। वेटेज इसकी 45% होगी आपके बायोलॉजी पेपर की, और 13 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में से जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान मैं इसको बना लूंगा। ठीक है, पूरा कंसंट्रेट कर लेना, इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करने से पहले आप कौन कौन सी बुक इसके लिए पढ़ लोगे। सबसे पहले तो आप एक तो हुई आपकी एनसीईआरटी किताब, जो आपकी एनसीईआरटी किताब है बहुत ही अच्छी किताब है, एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो। डेप्थ में जाना चाहते हो तो ट्रूमैन भी आप ले सकते हो, और उसके बाद अगर आप इसके साथ खेलना चाहते हो जिसको बोलते हैं प्लेइंग विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी, हाँ उसके लिए सबसे अच्छी किताब है आपकी। अगर आप खेलना चाहते हो, अगर आप वो होती ना वो एडिक्शन फिर हो जाती है किसी चीज की, तो उसके लिए आप ले सकते हो गाइटन एंड हॉल, वन ऑफ द बेस्ट बुक है इसके लिए। बट सिर्फ थोड़ा टाइम इसके साथ फिर लेना बहुत इसके साथ हो जाएगा गाइडन हॉल के साथ, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। बट अगर आपका इंटरेस्ट है बायोलॉजी जो सारी है, ये कि इंटरेस्ट पर होते हैं बायोलॉजी, इंटरेस्ट पर है सब कुछ, आपका इंटरेस्ट कितना है चीज़ों को परखने का, सो गो फॉर गाइडन हॉल देन। और ये भी आपके लिए काफ़ी है एन सी आर टी प्लस ट्रोमैन। ठीक है, और जो मैं वो यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा वो पूरा आप नोट डाउन करना, इंशाल्लाह वो सारा आपको फिर निकलेगा आपकी इन किताबों में से। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात स्टार्ट करने से पहले वो ये है कि जो आपको ये किताबें हैं, चाहे वो ये है या और कोई किताबें आपको है रिलेटेड टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, अगर आप चाहते हो कि मतलब सेकेंड हैंड बुक्स लाना, हाँ तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक वैली का सबसे बड़ा जो बुक शॉप है जो सेकंड हैंड बुक्स एट ए चीपर रेट्स पर आपको वो दे सकते हैं, दैट इज़ द बाई बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाई बुक के रिलेटेड मैंने आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मतलब वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप मतलब वहाँ जाओगे और ये भी बोलोगे कि हमको आरिफ लंकर क्लासेस ने भेजा है, सो यू विल आपको डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ही कंसेशन भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करने जा रहे हम स्टार्ट अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ये कई हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके कुछ पार्ट्स है, एक है उसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसे ही इसमें है लोकोमोशन, है लोकोमोशन एंड मूवमेंट है इसमें आपकी ब्रीथिंग आएगी, इसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका सारा आएगा, इसमें आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आएगा, इसमें आपकी किडनीज आपको पढ़नी है, इसमें आपको यू हैव टू गो फॉर दिस हारमोन्स क्या है, सो नेफ्रोलॉजिकल वो सब कुछ आपको इसमें आने वाला है ह्यूमन फिजियोलॉजी में से, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ जो आपका है वो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में आने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बाय डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करने से पहले वी विल गो टू अ बेसिक कांसेप्ट, मतलब रूट, मतलब हम बेसिक कांसेप्ट में जाएंगे जहां से फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सो व्हाट इज दैट, दैट इज द फूड, दैट इज द फूड। अब साथ-साथ में आप कॉपी भी कर लेना। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे कि हम अगर हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हम अपने लाइफ की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए तो हमको कोई एनर्जी चाहिए कि नहीं, कि ऐसे ही कर लेंगे, तो उसके जो वो एनर्जी हमको कौन देता है, वो एनर्जी हमको फूड देता है। फूड में क्या होता है, फूड में बहुत एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें फैट्स होते हैं,
प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो बहुत एसेंशियल होते हैं आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। इस फूड में जो आप वो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि फूड में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं। बट बेटा जब हम फूड को इंटेक करते हैं, ठीक है, ये किसी पहले उस सिंपलर सिंपल फॉर्म में भी तो पहले कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना, ताकि हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर ले, हो जानी चाहिए कि नहीं, और उसी को उसी प्रोसेस को, ताकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो हमारे होते हैं वो कन्वर्ट हो जाए इन टू द सिंपलर फॉर्म्स में, ताकि जो हमारा जो वो फूड है वो एब्जॉर्ब हो एंड विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अस फॉर अवर डेली एक्टिविटीज, दैट प्रोसेस इज टू बी कॉल्ड एज अ डाइजेशन। वहां से हमारा वर्ड निकला डाइजेशन का। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपको अब बताएगा कि डाइजेशन क्या है, सो आप बताना उसको ये ऐसे कि जो ये डाइजेशन होती है, डाइजेशन का मतलब ही होता है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट करना इनटू द सिंपलर फॉर्म्स में, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। सो यहाँ पर भी मैं आपको लिखूंगा कन्वर्जन ऑफ, साथ साथ में नोट कर लेना, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म्स सो दैट इट कैन गेट एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड, उसी को हम नाम देते हैं डाइजेशन। ये डिफिनेशन में यहाँ पर लिखनी पड़ी क्योंकि सबसे बेसिक डिफिनेशन है डाइजेशन की। डाइजेशन अब क्या इसका मतलब मैंने लिखा क्या, अब और एक स्टूडेंट्स पहले में और एक बात बताऊंगा, थोड़ी मुझे स्पेलिंग में हो सकता है वहाँ या वो, प्लीज़ आप देख लेना बुक से भी। सो क्या है डाइजेशन, तो जो हमारे अब जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो हमारे होते हैं उनको कन्वर्ट करना सिंपलर फॉर्म्स में, ताकि आप वो आराम से वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाना, दैट प्रोसेस इज टू बी कॉल्ड एज डाइजेशन। सो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एज डाइजेशन। लेकिन सर ये डाइजेशन हमारा कौन करता है? बेटा अल्लाह मियाँ ने हमको इसके लिए रखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो हमारी जो ये डाइजेशन है वो प्रोसेस ब्रिंग आउट कर लेगा। सो नाउ बाई जब हमने वर्ड पहले यूज किया डाइजेशन का, नाउ वी विल गो फॉर टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम जाएंगे अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब बताएंगे हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कि ए डाइजेस्टिव सिस्टम तेरा काम क्या है। ये बता लेगा हमको वहां से कि मेरा काम ही है जो आपने डेफिनेशन लिखी डाइजेशन, उसी को ब्रिंग आउट करने की। हाँ, तो जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो हमको कौन कर लेगा, तो वो हमको कर लेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हमको परखना है, इसके डेप्थ में हमको जाना है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेंगे, जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट इज टू बी कंप्राइज्ड ऑफ, इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है हमारा एलिमेंटरी कैनाल, क्या होता है एलिमेंटरी कैनाल, और तो होते हैं कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सो इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है एलिमेंटरी कैनाल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और जो दूसरा चीज इसमें होता है दैट इज सम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और आप सीधे बोल सकते हैं एसोसिएटिव ग्लैंड जो होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से किया मैंने, फूड से, पहुंचा कहां मैं अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो आगे डाइजेस्टिव, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू एसेंशियल थिंग्स, एक तो है एलिमेंटरी कैनाल और तो है सम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सर अब हमको बारी बारी में बता दीजिए कि एलिमेंटरी कैनाल क्या होता है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो अब मैं पहले स्टार्ट करूंगा यहां पर एलिमेंटरी कैनाल हमारा क्या होता है। सो वी विल नाउ गो टू एलिमेंटरी कैनाल।
बेटा जो हमारा एलिमेंटरी कैनाल होता है ये हमको स्टार्ट होता है कहाँ से, हमारे माउथ से, और एंड कहाँ पर होता है, इट एंड्स एट द एनस। तो स्टार्ट कहाँ पर होता है, तो ये स्टार्ट होता है एट माउथ, और एंड कहाँ पर करता है ये, एंड साथ साथ में लिखते जाना फिर मैं राब कर लूंगा। हाँ, और एंड कहाँ पर होता है, इट एंड्स एट आवर एंड्स। जैसे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इजैकुलेट हो जाते हैं। तो सो एलिमेंटरी कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, एंड होता है एंड से। चलो अब इसके डेप्थ में जाएंगे कि एलिमेंटरी कैनाल क्या, इसमें क्या क्या चीजें होती है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंटरी कैनाल, एसी लिखूंगा मैं यहाँ पर, एसी का मतलब है एलिमेंटरी कैनाल। इस एलिमेंटरी कैनाल में अब क्या क्या चीजें होती है, सो इट कंसिस्ट ऑफ, पहली बात, पहला चीज जो ये होता है, इस जो एलिमेंटरी कैनाल जिसका एलिमेंटरी कैनाल कंप्राइज करता है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज बक्कोफेरेंजियल कैविटी। उसको हम बोलते हैं बक्को फेरेंजियल कैविटी। रिपीट कर लूंगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी पहला पहला चीज। दूसरा चीज उसको बोलते हैं हम ईसोफेग, उसको बोलते हैं हम ईसोफेगस, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा चीज उसको हम बोलते हैं स्टोमक। चौथा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अगर आपको, अब कोई ये बताएगा कि एलिमेंटरी कैनाल किन किन चीजों का बना हुआ हो, क्या क्या चीज इसमें कंप्राइज करते हैं एलिमेंटरी कैनाल में, सो एक तो आता है हमारा बकोफेरेंजियल कैविटी, दूसरा आता है इसोफेगस, तीसरा आता है स्टोमक, और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे कि जो ये बकोफेरेंजियल कैविटी होती है वो क्या होती है। देखो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो इनटू, और आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ बस आपको वो नोट डाउन कर लेना है साथ साथ में, बाकी कुछ मसला नहीं। सो गोइंग नाउ टू बकोफेरेंजियल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी को मैं यहाँ पर लिखूंगा अब ऐसे, बी बकोफेरेंजियल कैविटी, या तो सीधे लिखूंगा अब ऐसे, रिटेटी हो जाओगे। सो जो ये बकोफेरेंजियल कैविटी है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो टर्मिनोलॉजी होती है किसी भी टर्म की, इट होल्ड्स द की इन एवरी 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 सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। टर्मिनोलॉजी यानी पहले वर्ड को परखना कि वर्ड क्या बता रहा है, फिर वो उसका सफर, उस वर्ड के अंदर जाने का आपको जो रास्ता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। सो नाउ वी विल गो व्हाट इज द बक्कोफेरेंजियल कैविटी। अगर आप यहीं पर देखोगे जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी, जो बक्कोफेरेंजियल का जो ये टर्म है, इट इज टू बी कंप्राइज ऑफ द टू टर्म्स, एक तो है बक्को और तो है फेरेंजियल। सो बक्को एक तो है, इसमें आएगा आपका बक्कल कैविटी भी, और ये करेगा आपका कवर, आपका जो है फेरिंग्स भी होता है। सो टू दो टर्म्स इसमें है, तो दो चीजें इसमें है, एक तो है बक्कल कैविटी, एक तो है बक्कल कैविटी, और आएगा आपका इसमें फेरिंग्स, जो हम इसके बाद देखेंगे। हर एक चीज में हमको डेप्थ में जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम, अब हमें अपनी बकल कैविटी की बात कर लेंगे, बकल कैविटी क्या होती है, इट्स लाइक अवर, और जो हमारी ऑरल कैविटी होती है ना, इसी को हम नाम देते हैं एज द बकल कैविटी। इस बकल कैविटी में क्या क्या चीजें हमको आती है, देखो स्टूडेंट्स। सो बकल कैविटी, जो बकल कैविटी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ऊपर वाला पोर्शन बकल कैविटी का, दैट इज टू बी कॉल्ड एज पैलेट। सो अपर पोर्शन जो इसका होता है, अपर पोर्शन, उसको हम नाम देते हैं एस पैलेट, उसको हम नाम देते हैं एस, ठीक है, PALLET। स्पेलिंग मेरी हो सकती है वहां, या वो प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। तो अपर पोर्शन जो इसका होता है बकल कैविटी का, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द पैलेट। बेटा जो इसका फ्लोर होता है उसको हम कहते हैं टंग, ठीक है, फ्लोर यानी बॉटम पोर्शन या फ्लोर का हो। अपर पोर्शन को दूसरा नाम दे सकते हैं रूफ भी, रूफ, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर रूफ। ऐसे ये फ्लोर यानी बेस, दैट इज टू बी कॉल्ड एज, उसको हम टंग कहते हैं, जो हमारी मस्कुलर, और मस्कुलर जो होती है हमारी टंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। और हमारा जो साइड्स आता है इसमें, उसको हम बोलते हैं टीथ। सो रिपीट कर लूंगा मैं,
तो रिपीट कर लूंगा मैं, जो हमारी बकल कैविटी है, इस बकल कैविटी में तीन पोर्शंस आते हैं, एक तो अपर पोर्शन और तो लोअर पोर्शन और तो साइड वाला पोर्शन। हाँ, सो जो अपर पोर्शन है दैट इज टू बी कॉल्ड एज पैलेट, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, ये टंग है, नीचे बेस वाली पोर्शन, और जो साइड वाला पोर्शन है इसका, उसको क्या हम नाम देते देते हैं एज टीथ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम जाएंगे इस पैलेट में, अब देखेंगे ये पैलेट क्या होता है। तो अगर हम पैलेट में अब और हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, सो अब मेरे पास जो ये पैलेट होता है, अब मेरे पास जो ये पैलेट होता है, इस पैलेट के एक तो इसका फ्रंट वाला पोर्शन होता है, क्या होता है, जो आगे वाला ऊपर वाला पोर्शन होता है, और तो होता है इसका बैक वाला पोर्शन, क्या होता है, एक आगे वाला पोर्शन और तो बैक वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फ्रंट पोर्शन। अब मैं इस पैलेट को यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, तो एक तो होता है इसमें फ्रंट पोर्शन और होता है इसमें बैक पोर्शन। जो इसका ये फ्रंट पोर्शन जो होता है ना, फ्रंट पोर्शन इसका वो बहुत ही हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, आ सकता है एग्जाम में ये। और जो इसका बैक वाला पोर्शन, पिछला वाला पोर्शन जो होता है ना इसका, दैट इज वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब जो ये हार्ड वाला पोर्शन जो होता है इसका पैलेट का, ये पता है किन बोन्स का बना हुआ होता है, दैट बोन्स आर टू बी कॉल्ड एज द पैलेंटाइनल मैक्सिला बोन्स, उन बोन्स को हम बोलते हैं पैलेंटाइनल मैक्सिला बोन्स। मैं लिखूंगा यहां पर पैलेंटाइनल, पैलेंटाइनल स्पेलिंग हो सकती है वहां, पैलेंटाइनल मैक्सिला बोन्स, रिपीट कर लूंगा, जो मेरी जो बक, जो मेरा फ्रंट पोर्शन होता है पैलेट का, ये किस, ये किन बोन्स का बना हुआ होता है, जो हार्ड पोर्शन होता है, इट इज मेड अप ऑफ द पैलेंटाइनल मैक्सिला बोन्स। जो इसका बैक पोर्शन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो किसका बना हुआ होता है, वो बना उस, अच्छा जो बैक पोर्शन वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक फ्लैशी लोब होता है, इसमें क्या होता है, एक फ्लैशी लोब टाइप स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैशी लोब स्ट्रक्चर, फ्लैशी लोब स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं एज यूव्यूला, उसको मैं नाम देता हूं एज यूव्यूला, उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं यूव्यूला। सर हमको बताइए अब जो ये यूव्यूला होता है इसका क्या काम होता है, तो देख लेंगे अब हमारा जो यूव्यूला होता है इसका क्या क्या काम, इसका क्या काम होता है। सो हियर कम्स नाउ अवर यूव्यूला, पूरा कंसेप्ट में यहाँ पर आपका क्लियर कर लूंगा इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद आएगा हमारा यूव्यूला। सर ये यूव्यूला क्या होता है, सुनो बेटा यूव्यूला क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना, खाते खाया हमने खाना, अब जब ये खाना हम स्वेलो कर रहे हैं, पूरा कंसेप्ट यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना यूव्यूला और एपिग्लॉटिस में। देखो यूव्यूला का काम क्या है, हमने स्वेलो किया खाना, एक हमारे पास दो किस्म के नॉस्ट्रल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। जो हमारा यूव्यूला होता है, ये हमारा जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो हमारे होते हैं उनको ये क्लोज करता है जब हम स्वेलो करते हैं, ताकि जो वो हमारा खाना है वो हमको नेसोफेरिंक्स में नहीं जाए, ऊपर नहीं जाए वहां पर, हाँ फेरिंक्स में नहीं, नेसोफेरिंक्स में वो नहीं जाए। तो वो कौन हमको बचाता है, वहां पर यूव्यूला, कि यूव्यूला का क्या काम करता है, इट क्लोजेस द इंटरनल नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग द स्वेलोइंग, आ सकता है नीट में ये क्वेश्चन, ठीक है। सो यूव्यूला, सो यूव्यूला का काम क्या है, सो यूव्यूला का काम है इट क्लोजेस इंटरनल nostrils during swallowing, swallowing जब हम कुछ swallow करते हैं, ताकि जो हमारा खाना है वो internal nostrils में न जाए, तो वो nasopharynx में न जाए, तो वहां पर ये क्या करता है, ये हमारा जो internal nostrils होते हैं उनको क्या करता है, बंद करता है, क्लोज करता है। अब बोलोगे अब सर तरह हमने तो एपिग्लॉटिस का भी कंसेप्ट पढ़ा है, वो क्या है एपिग्लॉटिस का कंसेप्ट, पूरा नजर रखना एपिग्लॉटिस का क्या बेसिकली कंसेप्ट है, वो भी मैं यहां पर लाऊंगा। एपिग्लॉटिस,
देखो स्टूडेंट्स, जब हम एपिग्लॉटिस की बात करते हैं, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो आपको पता होता है जब ये खाना यहाँ से हमको नीचे जाता है तो हमारे पास होता है ट्रैकिया, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप भी, ताकि जो हम जो ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया होती है उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। अब जो हमारा खाना है वो ग्लॉटिस में ना चला जाए, उसको कौन बचाता है, क्लोज कौन करता है इस ग्लॉटिस को, वो करता है एपिग्लॉटिस। वो मैं यहाँ पर थोड़ा लिख लूंगा। जो ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया होती है, ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। खाना ग्लॉटिस में न चला जाए, उसको कौन अब ग्लॉटिस को बंद करेगा ताकि मेरा खाना इस ग्लॉटिस में न चला जाए, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो ही हो गया एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम है ये क्लोज करेगा ग्लॉटिस को ड्यूरिंग द स्वेलोइंग। हो गया ये भी कंसेप्ट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आएंगे वापस हमारे पैलेट पर। तो फ्रंट पोर्शन हार्ड होता है, किसका बना हुआ होता है, पैलेंटाइनल मैक्सिला बोन उसका। सॉफ्ट जो इसका सॉफ्ट है, सॉफ्ट पोर्शन जो इसका बैक पोर्शन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। फ्लैशी लोब, वो इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैशी लोब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं यूवुला। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जो ये हार्ड पोर्शन होता है ना, किसका, जो ये पैलेट का जो ये फ्रंट वाला पोर्शन जो बहुत ही हार्ड होता है, ये पता है आपको इन इनमें वहां पर कुछ मसल्स होते हैं, पता है मसल्स का नाम क्या है? उन मसल्स आ सकता है एग्जाम में, एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ एग्जाम में आ सकता है, उसको हम बोलते हैं पैलेंटाइन रगे। आप रगे बोलो या रूगे बोलो एक ही बात है। ठीक है, दो दो दैज मसल्स आर टू बी कॉल्ड एज, सो जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द पैलेट है इट इज टू बी कंप्राइज ऑफ पैलेंटाइन रूगे मसल्स। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर वो वर्ड भी। ठीक है, जो ये हो गया इसका अपर पोर्शन, जो बहुत ही हार्ड, कहाँ पर, हाँ जो बहुत ही हार्ड होता है इसके, यहाँ पर मैं लिख लूंगा इसके जो आगे वाले, इसका जो इसके फ्रंट वाले मसल्स, यानी आगे वाले मसल जो होते हैं ना इसके, इट इज टू बी कंप्राइज ऑफ कौन से मसल्स होते हैं वो, दैट मसल्स आर टू बी कॉल्ड एज पैलेंटाइन रोगे, पैलेंटाइन रोगे कैन कम इन योर नीट एग्जाम्स, आपके गेट एग्जाम में, सॉरी आपके नीट एग्जाम में ये आ सकता है। इसको हम बोलते हैं पैलेंटाइन रोगी, हम इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। तो अब हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, अब हम इसके बाद पूछेंगे इसी बकल कैविटी में, हम थोड़ा और खेलेंगे वहां पर। देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब पता है क्या होता है, देखो पूरा कंसेंट्रेट कर लेना। अब जो ये हमारी जो ये टंग होती है, जो ये ऑरल कैविटी के बेस के साथ होती है ना अटैच्ड, लेकिन किस चीज से अटैच्ड होती है, किस चीज से अटैच, उस वो अटैचमेंट उसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्युला, उसको हम बोलते हैं लिंगुअल, लिंगुअल फ्रेन्युला। लिंगुअल फ्रेन्युलम से क्या होता है, जो हमारी टंग होती है ये बेस ऑफ द ऑरल कैविटीज के साथ क्या होती है, अटैच्ड होती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरा कंसंट्रेट कर लेना, जो ये बेस के साथ अटैच्ड, ऑरल कैविटी के साथ, के बेस के साथ अटैच्ड होती है कौन सी टंग होती है, किससे होती है, लिंगुअल फ्रेन्युलम से। अगर खुदा ना खास्ता न्यू बॉर्न बेबी में ऐसा हो सकता है कि ये जो लिंगुअल फ्रेन्युलम है ये टाइटली अटैच्ड हो, यानी इसका मतलब ये है कि आपकी जो टंग है वो मूवमेंट ना करे, वो मूवमेंट ना करे, जो आपकी जो हाइपोग्लॉसल मसल आपकी है, जो आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व जो आपकी है वो काम ना करे वहां पर, यानी जो आपकी जो लिंगुअल फ्रेन्युलम है वो लिंगुअल फ्रेन्युलम आपका टाइटली इतना अटैच है कि आपकी टंग मूव नहीं कर रही है, तो वो न्यू बॉर्न बेबी कहाँ बात कर पाएगा। उस डिजीज को नाम पड़ गया एनकाइलोग्लॉसिया, दैट डिजीज इज टू बी कॉल्ड एज, दैट डिजीज इज टू बी कॉल्ड एज एनकाइलो, एक ही टर्म है ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है मुझे, एनकाइलो ग्लॉसिया। याद रख लेना स्टूडेंट, जो ये टंग होती है ना, इस टंग को दूसरा नाम है ग्लॉसा भी, और इसको हम बोलते हैं लिंगुआ भी, इसको हम बोलते हैं टंग को। सो दिस डिजीज इज टू बी कॉल्ड एज एनकाइलो ग्लॉसिया। ये एनकाइलो ग्लॉसिया फिर कैसे ठीक हो जाता है, बाई सम सर्जिकल मेथड्स, हाँ करते इसमें कुछ सर्जिकल मेथड्स हम यूज कर लेते हैं ताकि ये अटैचमेंट को लूज करते हैं हम, और ताकि ये मूवमेंट हो, ये मूवमेंट कर सके हमारी टंग, और वो न्यू बॉर्न बेबी आराम से बात कर सके, बिकॉज टंग प्लेज योर इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्पीच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा अंदर जाएंगे टंग में, कि जो हमारे पास ये टंग होती है क्या है। ठीक है, अब हमारा कंसेप्ट होगा रिगार्डिंग द टंग।
सो अब मैं थोड़ा यहाँ पर बात कर लूंगा टंग के रिलेटेड, ठीक है स्टूडेंट्स? आपको बोर नहीं होना है, बहुत ही क्या इंसान क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो बंदा हो ही नहीं सकता है जो बोर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंसान जानता है ये है कि क्या क्या है, खुदा ने क्या क्या रखा है हमारे, क्या कैसे कैसे मतलब इंसान जो होता है चीजें क्या रखी है अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए। तो अब हम जाएंगे टांगों में, पहली बात जो टंग है, टंग की ये है कि इसको हम और एक नाम कहते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज लिंगवा, और या कहते हैं ग्लोसा, ग्लोसा और लिंगवा आ सकता है एग्जाम में। सो टंग को हम क्या नाम देते हैं, लिंगवा भी देते हैं, ग्लोसा भी नाम देते हैं। अच्छा अब जो ये हमारी टंग होती है ये प्योरली एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है? ये प्योरली एक टंग की, अब मैं फीचर्स लिखूंगा यहाँ पर, पहली बात ये प्योरली एक मस्कुलर, प्योरली ये एक मस्कुलर ऑर्गन है स्टूडेंट्स, ठीक है? ये किन मसल्स का बना हुआ होता है, उन मसल्स को बेटा हम नाम देते हैं, जो ये मसल्स का, किस मसल्स का, उन मसल्स को हम बोलते हैं स्कल्टल मसल्स, जो वॉलंटरी होते हैं। सो दे आर कंप्राइज ऑफ स्कल्टल, और जो वो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे पास ये मसल्स होते हैं ये बेटा हमारे कंट्रोल में होते हैं, ये मसल्स हमारे जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो अब आगे बढ़ लेंगे, तो अब जो पहली बात टंग के ग्लॉस और लिंगवा कहते हैं मस्कुलर ऑर्गन है, स्कल्टल मसल्स की बनी हुई होती है, वॉलंटरी मसल्स है यानी जो मामूली मसल्स है, एक ऐसी मसल्स होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। अच्छा ये टंग हमको कहाँ पर यूज हो जाती है, हम स्पीच करते हैं जो रोल होता है दैट इज ऑफ टंग वहां पर, कि जब मूवमेंट करती है तो बात हम कर पाते हैं। अच्छा टेम्परेचर सेंसेशन में, अगर सर्द पानी पियेंगे तो कौन हमको बता, वो टंग सेंस करती है कि टेम्परेचर क्या है पानी का, ऐसे गर्म पानी पियेंगे तो अगेन ये हमको टंग बताती है कि टेम्परेचर क्या है, क्या मतलब वो सर्द है कि क्या मतलब वो गर्म है। तो सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर भी हमको कौन देती है, हमको वो टंग देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ये टंग होती है इनफीरियरली ये किसके साथ अटैच होती है, डेड बोन इज टू बी कॉल्ड एज हायर्ड बोन। सो हायर्ड बोन इसको हम बोलते हैं, हायर्ड बोन आ सकता है आपके नीट एग्जाम में, कि जो आपकी जो ये टंग है इनफीरियरली किसके साथ अटैच हुई होती है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज हायर्ड बोन, उस बोन को हम क्या नाम देते हैं, एज द हायर्ड बोन। तो हो गया हायर बोर्ड का कंसेप्ट भी, यहाँ पर आगे चलेंगे तो पहुंचेंगे हम कहाँ पर इसके बाद, टेस्ट बड्स पर, क्योंकि हम क्योंकि टंगी वो ऑर्गन है हम टेस्ट, जिसकी वजह से हम टेस्ट भी कर पाते हैं, हम जो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं उनका, उनको कैसे हम टेस्ट करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द टंग, क्यों टंग पर ऐसा क्या होता है उस पर होता है टेस्ट बड्स। लेकिन टेस्ट बड्स के कंसेप्ट, टेस्ट बड्स में जाने के लिए उससे पहले और एक चीज़ हम पढ़ लेंगे, वो ये है कि टंग पर एक स्मॉल प्रोजेक्शन होती है, टंग पर एक स्मॉल प्रोजेक्शन होती है ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। हाँ स्मॉल प्रोजेक्शन, स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और उन दैट स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन को बेटा पता है क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एज पेपेले, पैपीले, क्या बोलते हैं, पैपीले, स्पेलिंग देख लेना, पैपीले उनको कहते हैं, अगर एक होगा तो पैपीला तो बहुत है पैपीले, ठीक है स्टूडेंट्स? तो उन प्रोजेक्शंस को हम क्या, स्मॉल प्रोजेक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, पैपीले। अच्छा इन पैपीले में अब क्या होते हैं, इन पैपीले में, बट वर्ड याद रखना क्या है, एनसीईआरटी किताब पर नजर मारना, वहां पर लिखा है कि ओनली सम पैपीले ओनली कंप्राइजेस ऑफ द टेस्ट बड्स, वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन से पैपीले हैं। तो पैपीले के अंदर क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं, इनके अंदर होते हैं हमारे टेस्ट बड्स। अच्छा टेस्ट बड्स का क्या काम होता है, टेस्ट बड्स का इसी से हम चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा क्या हर एक में ये टेस्ट बड होते हैं, हर एक पैपिला में, नहीं, पूरा देखना पैपिला के, अब हम जाएंगे पैपिले के कुछ टाइप्स में, एक तो आता है इसमें सरकमवैलेट पैपिले,
सरकम वैलेट पेपिले, पहले होगा पी, यहाँ पर पी का मतलब है पेपिले, और तो आता है इसमें फंगई फॉर्म पेपिले, फंगई फॉर्म पेपिले। तीसरा आता है इसमें फिली फॉर्म पेपिले, फिली फॉर्म पेपिले। ऐसे ही आता है इसमें चौथा एक पेपिले, उसको हम बोलते हैं एज फॉलिकेट पेपिले, उसमें यहां पर लिख लूंगा फॉलिकेट पेपिले। तो अब हम पेपिले के अंदर भी गए, पेपिले में अब चार चीजें हैं, एक तो है सरकमवैलेट पेपिले, फंगीफॉर्म पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले, फॉलिकेट पेपिले। क्यों गया मैं? क्योंकि मुझे ये चीज बताना है कि सारे पेपिले ऐसे नहीं होते हैं जिनमें टेस्ट बड्स होते हैं, और कौन सा पेपिले वो है जिसमें टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, दैट इज योर फिलीफॉर्म पेपिले, इसमें टेस्ट बड्स नहीं होते। ये और एक बार बताऊंगा, फिलीफॉर्म पेपिले एक ऐसा पेपिले है जिसमें टेस्ट बड्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, किस पर? फिलीफॉर्म पेपिले में। और याद रख लेना, हम टेस्ट करते हैं ना कुछ चीज, दैट सेंस ऑफ द टेस्ट जो है ना, सेंस ऑफ टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज गस्टेशन, सेंस ऑफ टेस्ट। पूरा एक एक पॉइंट है नीट के हिसाब से। हाँ, सेंसेशन ऑफ टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं गस्टेशन। अच्छा, चलेंगे और आगे। अब जो मेरे पास ये टंग होती है, क्या होती है मेरे पास जो टंग होती है, इस पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिंगुअल ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एज लिंगुअल ग्लैंड्स। सर, ये लिंगुअल ग्लैंड्स क्या होते हैं? बेटा, लिंगुअल ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हमको सेक्रीट करते हैं, एक तो वाटर करते हैं सेक्रीट, और तो कुछ म्यूकस ही सेक्रीट करते हैं। सर, उससे क्या होता है, उस वाटर और उस म्यूकस में हमारे, उसमें क्या होता है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं एज लाइपेज एंजाइम, कॉल्ड एज लिंगुअल लाइपेज, उसमें होता है लिंगुअल लाइपेज। एज का मतलब एंजाइम, किसके लिए लगता है? फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट। लेकिन याद रख लेना, ये करता है ना ये मुंह में सेक्रीट, क्या लिंगुअल लाइपेज, लेकिन वहां पर ये अपना रोल नहीं दिखाएगा। जो हम खाते हैं उसके साथ ये पहले मिक्स हो जाता है, फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, फिर गाइटर लिखता है, भाई सिर्फ ये 20% ऑफ द फैट जो है उसको ये डाइजेस्ट करता है, ये वाला एंजाइम जिसको हम बोलते हैं एज लिंगुअल लाइपेज। कितना गाइटन क्या बोलता है, सिर्फ 20% ऑफ द फैट जो है वो लिंगुअल लाइपेज डाइजेस्ट करता है हमारे स्टोमक में। सो दिस वाज द कंसेप्ट अबाउट द लिंगुअल लाइपेज। लेकिन लिंगुअल लाइपेज पहले क्या करता है, लिंगुअल ग्लैंड्स क्या करते हैं, सेक्रेट म्यूकस और पानी, पानी उसमें होता है हमारा लिंगुअल लाइपेज, उसमें वो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलेंगे। जब आगे चलेंगे इसमें आएंगे अब कुछ नर्व्स भी आएंगे। अब अच्छा, पहली बात ये है, जो अब ये टंग होता है, हाँ मैं सारा पहले रबी कर लूंगा। अब जो हमारी टंग होती है इसमें तीन सेल्स होते हैं, तीन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं। सो इसमें इसमें तीन सेल्स होती है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं एज सपोर्टिंग सेल, तीन होती है सपोर्टिंग, सपोर्टिंग सेल। दूसरा हो गया गैस्ट्रो, एक तो होता है इसमें, एक तो होता है इसमें क्या उसको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल, और तो होती है बेसल सेल, बेसल सेल। और तीसरी होती है इसमें दैट इज टू बी कॉल्ड एज गैस्ट्रो रिसेप्टर सेल, दैट इज टू बी कॉल्ड एज गैस्टेटरी रिसेप्टर सेल, सॉरी गैस्टेटरी रिसेप्टर सेल, गैस्टेटरी रिसेप्टर सेल। सर, इस इनका काम क्या है? जो होती है ना सपोर्टिंग सेल, ये एक टेस्ट बड में अगर 50 गैस्टेटरी रिसेप्टर सेल है तो ये उसको सराउंड करती है सपोर्टिंग सेल। सो सपोर्टिंग सेल का काम क्या है, सराउंड करना,
50 गैस्ट्रोरिसेप्टर सेल्स में, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स को, जो एक टेस्ट बड में होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पहुंचेंगे नर्वस पर, कुछ नर्वस जो होते हैं, नर्वस जो हमारी टंग के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी नर्व्स होती है टू अवर टंग, रिलेटेड टू अवर टंग, वो होती है पहली नर्व, उसको हम बोलते हैं फेशियल नर्व, फेशियल नर्व। इस फेशियल नर्व का काम क्या है, ये कैरी करती है हमको द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, इट कैरीज सेंसेशन ऑफ टेस्ट। दूसरी दैट इज टू बी कॉल्ड एज ग्लॉसो फेरेंजियल नर्व, ग्लॉसो फेरेंजियल, स्पेलिंग हो सकती है वहां, यहाँ ग्लॉसो फेरेंजियल नर्व, ये भी हमको क्या कैरी करती है, क्या द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, ये भी करती है ग्लॉसो फेरेंजियल नर्व। तीसरी होती है, तीसरी जो नर्व होती है उसको हम बोलते हैं एज ट्राइगेमाइनल नर्व, ट्राइगेमाइनल नर्व, ये भी हमको कैरी क्या करती है, ये हमको करती है इट कैरीज द सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर वेशर अगर होता है, हाँ वो ये कैरी करेगी सेंसेशन, इट कैरीज द सेंसेशन ऑफ, इट कैरीज द सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर जो होता है वो कौन कैरी करता है, ट्राइगेमाइनल नर्व। चौथी होती है वेगस नर्व, वेगस नर्व, ये इट विल आल्सो, इट आल्सो कैरीज द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो SOT लिखूंगा मैं, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। और पांचवी नर्व उसको हम कहते हैं एज हाइपोग्लॉसल नर्व, क्या कहते हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व का क्या काम होता है, ये हमको करती है कैरी द सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, यानी जो मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट हमारी जो टंग की एक वॉलेंटरी मसल है हमारे कंट्रोल में, बट किस कौन सी नर्व करवाती है, दैट नर्व इज टू बी कॉल्ड एज हाइपोग्लॉसल नर्व। सो मूवमेंट इज रिलेटेड विद द मूवमेंट, सो वहां पर हम इख्तिताम कर लेंगे हमारी टंग का। और इसके बाद भी हमको अभी कुछ ग्लैंड्स पढ़ने हैं, हाँ सो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल हम यहाँ तक इसको रखेंगे अभी टंग को। सो दिस वॉज अबाउट द टंग, हाँ अगर इसके बाद भी हो सकता है आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन अगर कहीं पर हो सकते हैं, कहीं वैसे तो पहले मैंने पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करके दिया, हो सकते हैं आप मुझे वो बता सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, मैं आपको वो यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जाएंगे टॉवर टीथ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सो व्हेन वी विल गो टू आवर टीथ, इसकी थोड़ी इंक फेंट हो गई, 1 मिनट। सो वी विल नाउ गो टू आवर टीथ, बहुत ही आसान है, टीथ भी जो हमारी बकल कैविटी में है। तो पहली बात है जो टीथ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी स्टडी को ही हम बोलते हैं एज ओडोंटोलॉजी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एज ओडोंटोलॉजी, सो व्हाट इज दैट, नाउ दिस स्टडी ऑफ टीथ कॉल्ड एज, सो टीथ इसकी स्टडी को हम बोलते हैं एज ओडोंटोलॉजी, इसकी स्टडी को हम नाम देते हैं एज ओडोंटोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है दूसरी बात टीथ के रिलेटेड, जो ये टीथ होता है ये एम्बेडेड हुआ होता है इन अ सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, किसमें एम्बेड होती है सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, एंड दैट अटैचमेंट इज टू बी कॉल्ड एज थीकोडोंट, उसको हम बोलते हैं एज थीकोडोंट। बेटा उस अटैचमेंट को क्या कहते हैं, उस अटैचमेंट हमको हम कहते हैं थीकोडोंट, जो हम ह्यूमन्स होते हैं, जो टाइप ऑफ द डेंटिशन हम ह्यूमन्स में होते हैं होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज डाइफोडोंट डेंटिशन,
So that is called as diphodont dentition. D का मतलब है dentition. Diphodont का मतलब क्या होता है? पहले हमारे पास milk teeth होते हैं, फिर हमारे पास permanent teeth आते हैं. ठीक है students? अच्छा, हमारे पास जो चार टाइप के टीथ हमारे पास होते हैं, कौन कौन सा? एक तो होता है incisors, और तो होते हैं canines, और तो होते हैं premolars, और होते हैं molars. So, एक तो होता है incisor, canine, premolar, और तो होता है molar हमारे पास. ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसको हम इस dentition को इसको हम बोलते हैं heterodont, यानी hetero का मतलब है बहुत ज्यादा, चार है हमारे पास. तो इसको हम जो टीथ्स होते हैं हमारे पास चार किस्मों के होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसके बाद याद रख लेना एक बात, जो ये जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, छः टू आठ महीने के बाद उसको आते हैं मिल्क टीथ, और छः टू बारह साल तक लगते हैं परमानेंट टीथ आने में. बेटा, अगर एक बार परमानेंट टीथ टूट गया ना, तो वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन एक बार मिल्क टीथ तो मतलब वो तो निकलते हैं, उसके जगह वो वहाँ पर हमारा आता है परमानेंट टीथ आता है हमारा वहाँ पर. ठीक है, याद रख लेना. और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीड के रिलेटेड, जो सबसे पहला वाला दांत आता है ना बेबी न्यू बॉर्न बेबी में, दैट इज टू बी कॉल्ड एज सेंट्रल इंसीजर. उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेंट्रल इंसीजर्स. ठीक है स्टूडेंट्स? उसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंसीजर्स. ठीक है स्टूडेंट्स? और अब याद रखने ना जो स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ होता है, तीन चीजें आते हैं इसमें. एक तो आता है वहां पर क्राउन, फिर आएगा नेक, और फिर आता है इसका रूट. पहले क्राउन, फिर नेक, और फिर क्या आता है इसमें? रूट. याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो हमारे पास ये मोलर होता है ना, मोलर, जो मोलर, पहले मैं ये बताऊंगा, इंसीजर हमको किसके लिए लगते हैं? बाइटिंग के लिए लगते हैं. किसके लिए? बाइटिंग के लिए. और जो कैनाइन होते हैं वो किसके लिए लगते हैं? फॉर डिफेंस पर्पस. जो हमारे पास प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स, दे आर टू बी यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग पर्पस या चिविंग पर्पस के लिए. याद रखना, जो सबसे पीछे वाला दांत होता है, दैट इज टू बी कॉल्ड द विजडम टीथ. उसको हम बोलते हैं मुझे लगता है पहली बार मैं थक गया हूँ लेक्चर देते देते. सो दैट इज टू बी कॉल्ड एज द विजडम टीथ. जो मेरे दांत का जो पिछला वाला मोलर, जो पिछले वाला दांत होता है, उसको हम नाम देते हैं एज द विजडम टीथ कहते हैं. याद रखने ना स्टूडेंट्स, तीन ब्रांचेस आते हैं स्टडी ऑफ द टीथ में, आएगा मतलब आपकी नीट एग्जाम में. एक को हम बोलते हैं एपिडोंटिक्स. याद रखने ना ये तीन टर्म्स, एपिडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, और तीसरा है पेरोडोंटिक्स या पेरियोडोंटिक्स बोलते हैं इसको. अगर हमारी डिजीज होगी रिलेटेड टू द गम, क्या होगी? रिलेटेड टू द गम, देन वी गो फॉर पेरियोडोंटिक्स. वहां पर हम स्टडी करते हैं डिजीज रिलेटेड टू द गम. अच्छा, अगर हमको होगा रिलेटेड टू द अलाइनमेंट ऑफ द टीथ, यानी टीथ अगर वहां यहां हो सकता है, डिजीज रिलेटेड टू द अलाइनमेंट ऑफ द टीथ, abnormal alignment of the teeth, हाँ, यहाँ पर मैं लिख लूँगा abnormal alignment of teeth, then we go for orthodontics. और अगर हमारे पास होगा जो हमारा pulp होता है, ठीक है, या root में अगर disease होगी, then we go for epidontics. हो जाता है ना वो, हम करते हैं हमारे जो होते हैं वो रूट कैनाल हम करते हैं, जिसमें बहुत ही दर्द होता है दांत को, फिर हम रूट कैनाल करते हैं वहाँ पर. सो दैट टाइप ऑफ द स्टडी ऑफ द टीथ जो हम पढ़ते हैं, दैट वी गो टू एपिडोंटिक्स. और अगर हमारा अलाइनमेंट ऑफ टीथ वहाँ यहाँ है, सो फॉर दैट वी गो टू ऑर्थोडोंटिक्स. और अगर हमारा गम के रिलेटेड कोई डिजीज है, देन वी गो फॉर पेरोडोंटिक्स. ठीक है स्टूडेंट्स? और पहले कौन सा डांट आता है बेबी में? इंसीजर्स, फिर आती है उसके परमानेंट टीथ भी आती है फिर 10 टू 12 एज ईयर्स तक. और जो हमारे पास डाइफोडोंट डेंटिशन होती है, और जो हमारे पास लास्ट का पॉइंट यहाँ पर डेंटल फार्मूला, सो दैट इज 2123 बाई 2123. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
इंसिजर्स दो होते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कैसे, देखो कैसे कम कंसेप्ट कर लेंगे डेंटल फॉर्मूला का। एक होता है अपर जा और होता है लोअर जा। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ना हाफ जा, उसमें है 2 1 2 3, यानी 2 इंसिजर्स, सो 2 इंसिजर्स, 1 एनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। हाँ ठीक है, तो कितने हुए ये 8, 8 को देंगे मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि ये हो गया आधा जा, फिर आधा जा और तो 16। नीचे भी कितने हैं 16, 16 प्लस 16 32। याद रख लेना है जो मैमल्स में सबसे बड़ा जो टीथ हो सकता है, मतलब बड़ा नहीं आई मीन टू से नंबर ऑफ टीथ, वो है 44 जो हॉर्स में होते हैं, 44, और जो हॉर्स में होते है, आ सकता है आपके नीट एग्जाम्स में। सो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 है डेंटल फॉर्मूला, वो भी मैंने बताया कि अपर जॉ में कितने होते हैं, लोअर जॉ में कितने होते हैं, और सबसे ज्यादा किस में होते हैं हॉर्स में, उसमें 44 होते हैं। सो दिस यहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे, तो इंशाल्लाह अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम उठाने जा रहे हैं सेलाइवरी ग्लैंड, सेमी सेलाइवरी अमाइलेज हम उठाने जा रहे जाएंगे अब इसके बाद। तो इसके रिलेटेड कुछ किसी भी जगह कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज अबाउट दिस, और अगर कहीं पर मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो स्टडी को बोलते हैं और ओडोंटोलॉजी, एपिडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, पेरोडोंटिक्स, ठीक है। और ये भी मैंने बताया विजडम टीथ किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्राउन नेक रूट, और ये भी बता दिया मैंने डाइफोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन होती है हमारे में, और सबसे पहले हमारे पास कौन सा ये होता है टीथ आता है न्यू बॉर्न बेबी में, दैट टीथ इज टू बी कॉल्ड एज द विजडम टीथ। और एक बात, और एक बात याद रख लेना, जो ईसोफेगस होता है ना हमारा ईसोफेगस, वो हमें वो फिर भी मैं बताता, यहाँ पर मुझे याद पड़ गया, जो सबसे लॉन्गेस्ट ईसोफेगस होता है ना मैमल्स में, वो पता है किसमें होता है, वो होता है जिराफ में, आ सकता है आपके एग्जाम में नीट में कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ईसोफेगस किसमें होता है, वो होता है जिराफ में, ठीक है। सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर, इसके रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, शुक्रिया।